दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिली सफलता से पार्टी में हादसा हुआ है। जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए रीवा ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाद एमसीडी में भी अपना कब्जा जमा लिया है। देश में बीजेपी को धूल चटाने वाली पार्टी आप ही है। आगे मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल होगा, जिसमें रीवा जिले सहित विंध्य से कई विधायक 2023 में विधानसभा में जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी 10 सालों में सबसे अधिक अपने को सक्रियता के साथ में राजनीति में सच्चाई के साथ में आने वाली पहली पार्टी है और हिंदुस्तान की विश्व की अपने खुद को तथाकथित जो है सबसे मजबूत पार्टी बताने वाली बीजेपी को धूल चटाने वाली पार्टी जो है आम आदमी पार्टी ही है जिसको बीजेपी को धूल चटा रही है। और साथ में एमसीडी में जिस प्रकार से अभी कब्जा हुआ है, पहले दिल्ली विधानसभा में था, कल आपको सुबह जो है गुजरात के अंदर में ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा और यही माहौल 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर में रीवा के अंदर में से कई विधायक और विंध्य में सबसे अधिक विधायक जाने का काम होगा। इसके लिए हम सभी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो फाउंडर मेंबर है, मैं प्रमोद शर्मा जिला अध्यक्ष रीवा, ये काम कर रहे हैं और लगातार जो इस बात की सबको बधाई। और इसको मैं इस प्रकार देखता हूं कि एक असत्य पे सत्य की जीत, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में कब्जा, इस बात के लिए सभी समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।